सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको जो साप्ताहिक व्रत करते हैं आप सभी, तो वो करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो एक एक का उत्तर देने के बजाय मैं सोची कि एक वीडियो ही बना देती हूँ, आप सभी को उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि जो साप्ताहिक व्रत होते हैं, जो 7 दिनों में हर दिन का व्रत कोई न कोई करता है, कोई शनिवार का व्रत करता है तो कोई रविवार का व्रत करता है अलोना सूर्य भगवान के नाम से, जिसका सूर्य कमज़ोर होता है, तो कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई प्रति सोमवार करता है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न आए हैं 16 सोमवार के। जो 16 सोमवार का व्रत कर रहा है वो क्या करे। कई बहनें बोली हैं 16 सोमवार का अलग नियम होता है, उसमें चूरमा चढ़ा के खाते हैं, फिर खीर पूड़ी खाते हैं, यानी एक टाइम मीठा भोजन खाते हैं। तो नवरात्रि में हम अगर 9 दिनों का व्रत करेंगे और चूरमा और खीर पूड़ी नहीं खाए या जो भी खाते हैं नहीं खाए, तो उनका व्रत टूट जाएगा। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाली हूँ, आराम से वीडियो को देखें। और मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, वैभव लक्ष्मी का व्रत, संतोषी माता का व्रत, सभी बहने भाई और बेटियाँ कोई न कोई व्रत करती हैं, तो आप सभी के लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कई हर व्रत का अलग अलग नियम है। जैसे कि वैभव लक्ष्मी के जो व्रत है वो उसका मान्यता है कि आप अपने ही घर से व्रत को शुरू करें, अपने ही घर में व्रत को करें और अपने ही घर में उद्यापन करें। कभी कभार बहनें प्रश्न करती हैं कि हम व्रत अपने ससुराल से उठाए थे पर मायके में हैं, काफ़ी दिनों से मायके में हैं, तो मायके में उद्यापन कर दें कि नहीं, या ससुराल से व्रत उठाए थे तो वो विदेश चले गए या दूसरे जगह चले गए, तो वहाँ व्रत करें, उद्यापन करें कि नहीं, व्रत करें कि नहीं। तो मैं बताती हूँ कि देखिए, व्रत आप शुरू करें हैं ससुराल से और अपने पति के साथ परदेश चले गए या विदेश चले गए, तो व्रत आपका अपने साथ जो है पति हैं बच्चे हैं तो वो अपना ही घर माना जाएगा, वहाँ आप उद्यापन कर सकते हो, व्रत भी कर सकते हो। और मायके में, यानी एक बहन का प्रश्न था कि वो काफ़ी दिनों से मायके में हैं तो वहीं पर उद्यापन कर सकती हैं कि नहीं, तो मायका तो सर्वप्रथम बेटियों का अपना ही घर होता है, ये तो विधि के विधान सामाजिक जो रीति है उसके कारण, शादी होने के कारण दूसरे घर जाना पड़ता है, उनके मायका भी बेटियों का अपना ही घर है, पराया नहीं है। तो ये नियम होता है वैभव लक्ष्मी का। लेकिन 16 सोमवार का जब मैं बताती हूँ पूजा और पाठ, जब आप पूजा करें तो पाठ जरूर करें। कई बहनों के पास बोलते हैं हमारे पास किताब ही नहीं है, तो आप सही सही उस चीज़ की जानकारी ही आपको नहीं होगी जब पाठ नहीं करोगे। तो जब 16 सोमवार का व्रत करो तो उसमें देखो नियम है कि 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि बीच में खंडित नहीं होता। अगर बीच में खंडित हो गया तो पुनः से आपको उस व्रत को शुरू करके 16 सोमवार तक करना पड़ेगा। कई बहनों का प्रश्न है कि वो 16 सोमवार का व्रत करके जब 17वें सोमवार में उद्यापन करना है तो अशुद्ध हो गए तो क्या करें। मैं बोलती हूँ अशुद्ध अवस्था में आप कुछ भी मत करें, 18वें 19वें, यानी 16 सोमवार पूरा होना चाहिए, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। तमाम बहनें प्रश्न करती हैं कि जैसे मान लीजिए वो गुरुवार का व्रत कर रही हैं और उनको कहीं यात्रा पर जाना है या कहीं किसी की शादी में जाना है या खुद के यहाँ शादी पड़ी हुई है, तो उस दिन उस व्रत को वो छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं कि नहीं। तो मेरा यह कहना है कि कोई जब व्रत आप संकल्प लेते हो कि हम इतने दिनों का व्रत करेंगे, संकल्प का मतलब ही होता है कि आपको उस व्रत को पूरा करना है। ये नहीं कि आपको पूरी कचौड़ी समोसा दिखा तो उस दिन छोड़ के अगले दिन रख लो, यानी किसी के यहाँ विवाह का पार्टी है तो वो उस दिन पार्टी पर नहीं गए गुरुवार के दिन, तो उनको अगले दिन कभी भी समोसा जलेबी कचौड़ी मिलेगा ही नहीं। देखिए, व्रत पूजा उद्यापन ये बहुत ही आध्यात्मिक एक रीति है, इसको आत्मा से जोड़ना चाहिए, ये मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 16 सोमवार का व्रत या कोई भी, फिर वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत महिलाओं के लिए है, माँ संतोषी जी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे कि इन बहन का प्रश्न था कि हम चूरमा प्रसाद चढ़ाएंगे तो खाएंगे नहीं तो, या मीठा भोजन नहीं खाएंगे तो व्रत नहीं माना जाएगा, आपसे किसने कहा। आप 16 सोमवार का व्रत, जो साप्ताहिक व्रत होते हैं उसमें नमक खाने के लिए नहीं कहा जाता है। अब दुर्गा मैया जी का 9 दिन का क्योंकि व्रत रहता है इसलिए एक टाइम नमक खा सकते हो, लेकिन तमाम बहनें बिना नमक के भी व्रत रहती हैं तो उनको थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है तो नमक खा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि साप्ताहिक व्रत जो भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप
एक टाइम मीठा भोजन करें ही ना। बहुत सारे लोग तो सिर्फ पानी पी के रह जाते हैं, बहुत सारे लोग एक बार फल खा के रह जाते हैं, तो क्या उनका व्रत नहीं माना जाता? व्रत का मतलब ही है फलाहार लेकर। साप्ताहिक व्रत के लिए खाना के लिए इसलिए बोला जाता है कि आदमी एक टाइम खा ले, कमजोरी महसूस ना करे, कहे कि मतलब एक महीने में चार या कभी कभी पाँच व्रत पड़ जाते हैं। तो मैं इन सभी बहनों के लिए जो उनका कन्फ्यूजन है, कई लोगों को तो मैं बताई हूँ, फ़ोन कर करके पूछे तुमको बताई हूँ कि हाँ बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि सप्ताह में जितने भी हमारी बहनें हैं कुछ न कुछ व्रत करती होंगी। कोई गुरुवार का करता है, कोई वैभव लक्ष्मी का, कोई संतोषी माता का, कोई शनिवार का, कोई बुद्धि वृद्धि और सुंदरता के लिए बुधवार का, सभी व्रत करते हैं। तो जिस इस नवरात्रि में जब जब वो व्रत पड़े, आपका व्रत पड़े या जो भी, तो मैं बताती हूँ कि दुर्गा मैया के जहाँ आप स्थापना करी हैं वहीं पर आसन बदल के, यानी जैसे अभी ऊनी आसन बोली थी तो आसन बदल दें कोई भी, और जैसे कि दुर्गा जी का पूजा हो गया तो थोड़ा उठ के आचमन करके और दोबारा वहीं चौकी पर आप उसी दीप में उसी कलश में जो भी साप्ताहिक पूजा है वो भी कर सकती हैं आपका कोई भी व्रत। अब जैसे कि आप 9 दिन का व्रत का संकल्प लिए, पहले मैं आपको बताऊँगी आपका जो साप्ताहिक व्रत है, जैसे आप 1600 मार का व्रत का संकल्प पहले ले चुकी हैं कि आप 1600 मार का व्रत करोगे, तो माताओं का यह कहना है कि एक साथ दो व्रत नहीं रहना चाहिए, एक साथ दो व्रत उठाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बहनें पूछती हैं कि मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो प्रदोष का कर लूँ क्या? तो कभी कभी क्या होता है, एकादशी हुआ दूसरे दिन प्रदोष पड़ जाता है, तो जब आप एक व्रत का पारण नहीं करोगे तो दूसरा व्रत नहीं माना जाएगा। या मान लीजिए कोई व्रत हुआ, जैसे मान लीजिए कोई तिथि के अनुसार व्रत पड़ा, मान लीजिए सोमवार पड़ा, तो आप सोमवार का भी व्रत उठा लिए और सोमवार के दिन प्रदोष है तो आप प्रदोष का भी व्रत उठा लिए। अलग से आपको पता नहीं आपको सोमवार का भी व्रत करना है और प्रदोष का भी व्रत करना है, तो दोनों व्रत एक साथ उठा लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्रत, हमारे जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि एक दो, दो से अधिक तीन व्रत अगर पड़ता है एक दिन में अगर तीन व्रत पड़ता है तो बहुत शुभ माना जाता है। और हम जैसे साप्ताहिक व्रतों का संकल्प पहले लिए हैं और अभी जो नवरात्रि चल रहा है तमाम माताएं बहनें उतरती और चढ़ती का व्रत करती हैं। जो माताएं 9 दिन का व्रत करती हैं वो भी संकल्प लेती हैं, माता दुर्गा हम 9 दिन का आपका व्रत कर रहे हैं तो हमको भूख प्यास निद्रा काम क्रोध लोभ इन सब चीज़ों से परे रखें, दूर रखें, इनसे हमको बचाएँ। तो आपका जो जैसे शनिवार का मान लीजिए आप व्रत कर रही हैं तो पहले से संकल्प ले चुकी हैं, आप नमक तो खाती नहीं साप्ताहिक व्रत में, तो दुर्गा जी की पूजा में 9 दिन में नमक एक बार खाती हैं तो उस दिन नमक न खाएं और फल खा के व्रत रहें। आपका शनिवार का या सोमवार का भी व्रत पूरा हो जाएगा, या 9 दिन का कंटिन्यू आपका दुर्गा जी का भी व्रत चलता रहेगा। और जो 1600 मार माताएँ व्रत कर रही हैं वो जैसे बोलती हैं, मैं जवाब भी दी, काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, हजारों प्रश्न आ रहे हैं, उनका मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। हमारी बेटी देती थी जवाब, वो ससुराल चली गई है और जो लड़का है वो 8 घंटा थक के आता, जवाब नहीं दे पाता, सब बिजी हैं, तो मैं इसलिए वीडियो बना देती हूँ आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, बहनें पूछी हैं कि चूरमा प्रसाद चढ़ाना जरूरी है, तो प्रसाद खाना भी जरूरी है, ऐसा कौन कहा? आप प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद को प्रणाम करके उसको सुरक्षित रख लो। जब आप पारण करोगे माता दुर्गा जी का तो ये जितने भी व्रत का प्रसाद है उसी से आप पारण कर लेना, आपका व्रत माना जाएगा। तो मैं उन सभी माताओं बहनों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आपको साप्ताहिक जो व्रत कर रहे हो आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहो कि आपको क्या करना है, आपका व्रत टूट जाएगा या आप व्रत छोड़ दें, उस दिन का व्रत का नियम निभाएं। यानी कि जैसे कि आप खाते हो पूरी कचौड़ी तो भी खा लो, आपका 9 दिन का व्रत भी पूरा हो जाएगा, तो ये सब नहीं, ये सब लपड़ धौंध नहीं करना है आपको। आपको जो मैं बता रही हूँ ये सही तरीका है। जिस भी देवता का व्रत कर रहे हैं साप्ताहिक, जैसे सूर्य जी का व्रत कर रही हैं, तो आसान जिंदगी में सर्च करके देखें भानु सप्तमी, सूर्य भगवान का व्रत करती हैं तो उनका पूजा कैसे होता है। सिर्फ सूर्य भगवान को जल दे देना ही पूजा नहीं है, वो एक चौक बना के गाय के गोबर से अर्घी बनाइए, उसको गाय के दूध से भर दीजिए और दुर्बा घास लगाना है। आप सर्च करके देखें भानु सप्तमी। इसी प्रकार से जब शनिवार का व्रत करती हैं तो शनिवार का पूजा भी विशेष होता है। तमाम माताएं बोलती हैं कि उनके यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि जब शनि पूजा की जाती है वो सभी की दृष्टि न पड़े ऐसे जगह की जाती है, एकांत में, या तो पीपल का पेड़ एकांत में हो या कोने में घर के सबसे पीछे जहाँ सबकी दृष्टि न पड़े वहाँ पर करें पूजा। माँ लक्ष्मी के जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं आप तो वहीं पर उसी कलश में बैठ के आप पाठ कर लो वैभव लक्ष्मी जी का और वहाँ पर पूजा कर लो,
छोटा सा फोटो भी रख के पूजा कर सकती हैं। इसी प्रकार से सभी देवी देवता मान लीजिए गुरुवार का व्रत कर रही हैं, तो गुरुवार का भी अगर चौकी बड़ी है नहीं तो एक अलग पीढ़ा लगा लीजिए और भगवान जी का फोटो रख लीजिए, पूजा कर लीजिए। अब गुरुवार का प्रसाद आए, चने की दाल भी आपको खाना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि चने की दाल आप चढ़ाएं, उनको प्रणाम कर लें और गौ माता को खिला दें, ये कह के कि हमारा व्रत चल रहा है माता, इसका इस प्रसाद का फल हमको मिलना चाहिए, आपको मैं खिला दे रही हूँ। जो भी पूजा में प्रसाद चढ़ता है, जैसे चने की दाल भिगोई हुई रहेगी तो आप उसको नहीं रख सकते हो, आप उसको सुखा के भी रख सकते हो, तो उसी प्रकार से सभी व्रतों में जो भी सभी व्रतों का प्रसाद होता है या तो रख दें या तो गाय को खिला दें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दुर्गा नवरात्रि में जो 9 दिनों का आपका जो व्रत चल रहा है ये भी पूरा हो जाएगा, और जो भी साप्ताहिक व्रत है इसमें कोई विध निवाधा नहीं पड़ेगा, आपके सारे व्रत पूरे होंगे। बीच में कोई व्रत जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए कि हमको ये चीज़ खाना है या किसी की शादी है कहीं जाना है तो हम व्रत छोड़ दें, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई माताओं का प्रश्न है जो कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो आप लोगों का जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और कभी कभार वीडियो लाइव भी करेंगे अभी आगे। तो जैसे कि आप व्रत कर रही हो दुर्गा मैया जी का और पूजा के लिए आप पूछते हो कि आप पूजा नहीं कर पाते हैं सुबह, तो शाम को पूजा करिए। दान के लिए बता रही हूँ आपको मैं, हफ्तावारी का दान होता है, और जैसे कि आपको कोई व्रत का उद्यापन करना है, मान लीजिए आपको कोई व्रत पूरा हो रहा है इसी समय में, साप्ताहिक कोई भी व्रत, रविवार का, शनिवार का, वैभव लक्ष्मी का, 16 सोमवार का, तो इसी नवरात्रि में अगर आपका व्रत पूरा हो रहा है तो आप उद्यापन भी कर सकती हैं, ये नवरात्रि बहुत ही शुभ चल रहा है। बहनों का प्रश्न है कि वो पंडित जी को नहीं बुला सकती हैं और उद्यापन की जो बहुत सारी ढेर सारी विधि है उसको नहीं कर सकती हैं, तो आप ना करें, सबसे ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है, आप पंडित जी को ना बुलाएं। पूजा जो उद्यापन होता है वो कोई हवा नहीं होता है कि उद्यापन में क्या करना होता है, कुछ नहीं, आप जिस भी देवी देवता का पूजा कर रही हैं वैसा ही पूजा करें। उद्यापन का मतलब होता है जैसे कि पहले सब लोग एक साथ रहते थे, ब्राह्मण भोज अत्यंत जरूरी होता है, आप तीजा की किताब में भी पढ़ोगे कि 3 ब्राह्मण या ज़्यादा नहीं खिला सको तो 3 ब्राह्मण 2 ब्राह्मण खिला दो, तो ब्राह्मण भोज आजकल जैसे अकेले रहती हैं बहनें माताएँ तो वो भोजन नहीं बना पाती हैं, तो कच्चे अनाज को दान दे दो किसी भी उद्यापन में, जो भी आपसे वस्त्र 5 कपड़े जो भी बने उसमें आप उद्यापन करके अपने से पूजा करके मंदिर में रखाओ। ये नवरात्रि का जो समय चल रहा है, नवरात्रि के 9 दिन, इसमें आपका जो भी व्रत पूरा हो उसका उद्यापन करके, आपका जो व्रत पूरा हो गया हो उसका उद्यापन करके मंदिर में सामान रख आएँ। मैं आपको इसको बताई हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आगे इसी तरह के वीडियो आपको मैं और भी देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, शेयर इसलिए बोल रही हूँ कि और लोगों को भी मिले वीडियो की जानकारी, और हमारे साथ बने रहें। आप सभी के लिए नवरात्रि पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो, आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।